लीडरशिप कैपेसिटी होगा तो मैं बोलता था सोगा अब साला पुष्पा बनोगे आप ये मेरे को तो पूरा यकीन अरे जिन लोगों ने फांसी का फंदा उस वक्त चुना जब वो भरपूर जवानी में थे पाप अपने जीवन में पद वैसे छोड़े यह है लीडरशिप कैपेसिटी लीडरशिप कैपेसिटी योर एबिलिटी टू लिफ्ट एंड लीड अदर्स कौन सी कैपेसिटी है थोड़ा जोर से बोलिए मेरे को बचपन में टीचर ने क्लास में सबको बोला था बेटा तुम्हारे में से कोई है जो नाटक में रोल करेगा तो मैंने इधर देखा इधर देखा किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया मैं करेगा आ जा मैं चला गया अब मैं आपसे पूछता हूं अगर उस दिन मैं हाथ खड़ा नहीं करता तो मुझे 1900 उन्नीस सौ इक्यानवे में नाइनटीन नाइनटी वन में जब मैंने क्लास में पहला नाटक किया छोगा मैं बना था ग्वाला गाय भैंस चराने वाला उसका नाम था छोगा डायलॉग क्या था मेरी माँ मुझे पुकारती थी छोगा तो मैं बोलता था सोगा हम सोगा अरे कि नाले मां जिसके ऊपर रोज गाय भैंसे पेशाब करती है वो तो एनी टाइम शुद्ध रहता है नहाया हुआ रहता है मैं नहीं नहाएगा ये उस भाषा में बोलना था अपनी कल्चर में ग्यारह सौ रुपए टोटल प्राइजेज उन्नीस सौ इक्यानवे में ग्यारह रुपए आज के पचास हजार के बराबर होते हैं नाइनटीन नाइनटी वन में ग्यारह सौ प्राइस प्राइज मिले मैंने कहा मुझे यह प्राइज इस बात का नहीं मिला है कि मैंने नाटक में अभिनय किया मुझे यह प्राइस इसलिए भी नहीं मिला कि मैंने अच्छा अभिनय किया ये प्राइस मुझे इस बात का मिला कि जब किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया तो मैंने किया मैंने किया, किया। और यही सच्चाई है यही सच्चाई है हरीश जी यह प्राइस उस बात का मिला है भाई कि मैंने हाथ खड़ा किया कितने लोग लीडर बनना चाहते हैं मजा आ गया यार पहले इतने खड़े होते कि नहीं होते पता नहीं लेकिन अब साला पुष्पा बनोगे आप ये मेरे को पूरा यकीन है भाई लीडरशिप कैपेसिटी विश्व में एकमात्र ऐसी योग्यता है जिसके लिए कितना पढ़ा लिखा है डजन मैटर हाइट कितनी है डजन मैटर बोलना कैसा जानता है डजेंट मैटर बस लीडरशिप की जिसमें कैपेसिटी डेवलप हो गई गूंगा भी लीडर हो जाता है अरे अमेरिका के कितने ही ऐसे लोग पूरे वर्ल्ड के इतिहास में छा गए जो उस वक्त के अश्वेत थे रे लेकिन राज किया अमेरिका के ऊपर लीडरशिप रंगों की मोहताज नहीं लीडरशिप दौलत की मोहताज नहीं लीडरशिप को कोई चीज नहीं चाहिए बस वो सबसे पहले कहता है मैं मैं करूंगा ये काम मैं करूंगा नेतृत्व की क्षमता दूसरों को ऊपर उठाने और नेतृत्व की क्षमता को डेवलप करना ही लीडरशिप है क्या करना दूसरों को ऊपर उठाना हेलो दूसरों को ऊपर उठाना इस देश के इतिहास में जितने लीडर पैदा हुए हैं या पृथ्वी पे जितने लीडर अब तक पैदा हुए हैं उनको दुनिया ने लीडर तब माना जब उन्होंने दूसरों को उठाया रे अगर आप लोगों को गिराने में इंटरेस्ट रखते हो आप लीडर कभी नहीं माने जाओगे आज मुकेश अंबानी को कितना वेटेज मिलता है टाटा को बिड़लाज को कितना मिलता है मुझे नहीं पता लेकिन गांधी को इस देश में कितना वेटेज मिलता है दुनिया की किसी किताब में महात्मा शब्द लिखा हुआ नहीं है यह कोई डिग्री नहीं है इस देश की रगों में बह रहा था तो लोगों ने बोल दिया और नोटों पे छप गए और देश में कोई भी पार्टी को बड़ा कोने से पहले गांधी जी को साथ लेना पड़ता है, है कि नहीं अरे कैसे लीडर थे भाई क्या लीडरशिप होगी कुछ तो अलग थी कुछ तो यूनिकनेस थी दुनिया की हर किसी चीज के पॉजिटिव नेगेटिव पहलू होते हैं अभी मैं एक अपेक्षा से कह रहा हूं जब आप लोगों को एक उम्मीद देते हो और उठाने की बात करते हो तो आपकी लीडरशिप पैदा होती है हर एक वो आदमी जिसने देश के लोगों को कुछ दिया है डॉक्टर बी आर अंबेडकर करोड़ों लोगों को कहा था तुम्हारी जिंदगी में संभावनाएं पैदा करूंगा इस देश के रगों में बहता है आम आदमी पार्टी अम्बेडकर की फोटो के बिना चल नहीं सकती देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी बताओ इधर गांधी जी इधर बाबा साहब अंबेडकर दोनों के बिना चल सकती है क्या कभी भगत सिंह कभी क्या कभी क्या ये सब लीडरों में जो फोटोओं के ऊपर आज राजनीति टिक गई ये किस भरोसे हैं उन्होंने लोगों को उठाने के लिए जीवन लगाया ये पंद्रह अगस्त की आजादी की इतनी गूंज क्यों गूंजती है अरे जिन लोगों ने फांसी का फंदा उस वक्त चुना जब वो भरपूर जवानी में थे वो चंद्रशेखर आजाद वो भगत सिंह ये क्या कर गए इन्होंने करोड़ों लोगों को एक उम्मीद दे दी देखो आज हम जा रहे हैं इस दुनिया से लेकिन करोड़ों करोड़ों लोगों को यह उम्मीद होगी कि जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया इस देश को फिर से गुलाम मत होने देना भाई ये क्या थी लीडरशिप ही तो थी लीडरशिप थी आपके भीतर एक लीडर है लेकिन किसी की हवा देने से किसी को पोषण देने से वो लीडरशिप निखरेगी आप लीडर बनो दुनिया आपको चुनती है वहां पहुंचने के लिए जहां वो खुद नहीं पहुंच सकते उसे लीडर कहा जाता है आप लीडर हैं लेकिन लीडरशिप की परिभाषा को फॉलो करो जगह जगह पे परीक्षा होगी उस वक्त याद रखना आप लीडर हैं आप सामूहिक लोगों के साथ आप भोजन करने जा रहे हैं याद रखना आप एक लीडर हैं याद रखना आप लीडर हैं आप, है। आप लोगों को इस बिजनेस में डेवलप कर रहे हैं आप याद रखना आप एक लीडर हैं आपको जीवन की हर एक अच्छे बुरे वक्त पे खड़ा रहना होगा आप एक लीडर हैं लीडरशिप कैपेसिटी तब डेवलप होती है जब आप अपने जीवन में पदचिन्ह वैसे छोड़ें जो पीछे वालों के लिए फॉलो करने लायक हो कोई भी कह दे कुछ बुरा हो रहा है तो कोई भी कह दे ये बुरा हुआ ये बुरा हुआ कोई भी कह दे खाने में कमी थी खाने में कमी थी रूम में कमी थी ये, ये में ये में ये कोई भी कह दे ये कोई भी कह दे क्योंकि इसमें कुछ कुछ लगता नहीं है कोई भी बोल दे लेकिन जो सहन करे और जो वापस क्रिएट करे इन सबकी सुनने के बाद भी अपना सीना बड़ा रखे रे वो लीडर है लीडर बनो भाई लीडर बनो लीडर बनो, लीडर बनो। और आपको एक चीज और खबर दे देता हूं पूरे विश्व में पूरी दुनिया के किसी भी काम में आपको लीडर बनने का मौका समान अवसर नहीं मिलेंगे यही धंधा है जहां पर आपको संपूर्ण लीडर बनाने के लिए लोग कहें। <laughs> बाहर की दुनिया में बाहर की दुनिया में आप पॉलिटिकल पार्टियों में चले जाओ जीरो से चालू कर वहां से तेरी योग्यता होगी तो तू तो तो अपने आप ऊपर आ जाएगा यही एक संभावना का ऐसा ऐसा मिश्रण और ऐसा स्टेज है जहां कहते हैं आप में जितनी क्षमताएं हो आप उतना आगे जाओ यही धंधा है जहां अपलाइन से भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है उससे बड़ी लीडरशिप ली जा सकती है यहां आपके जीवन में जो आप सींचोगे उसका सारा परिश्रम का फल आपको मिलने के लिए तैयार है बस लोगों को अपलिफ्ट करो लोगों को वैल्यू एड करो उनकी जिंदगी को उठाओ जो अपने स्वार्थ की वजह से लोगों को उठाए तभी तो लीडरशिप में कमियां आ जाती है नहीं नहीं पूरे प्राणों से उठाओ प्रकृति आपको जरूर उठा देगी यह है लीडरशिप कैपेसिटी लीडरशिप कैपेसिटी डेवलप करेंगे